हमने क्या करा? हमने गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सबको मेरा पहला और प्रणाम। तो आज का वीडियो मैं लेटेस्ट स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 4 बजे हुए और हमने छत में गेहूँ सुखाए थे और अभी गेहूँ सुखाए हैं मीन्स, और चावल को भी साफ कर रहे हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग गेहूँ सुखाने के बाद क्या करते हैं। गेहूँ तो खैर चले गए हैं पिसने के लिए, अभी चावल को फटेला कैसे लगाते हैं वगैरह वगैरह मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे साथ बने रहना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय। मैं छत में जा रही हूँ, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। चलो, कहाँ गई गोलू? पता नहीं ना, ये तो है। ये आजा, टॉयलेट कराने गई थी क्या? पता नहीं उसने क्या किया था। नीचे चले गई। हम ऊपर ही हैं। इधर है मम्मी। किचन में मम्मा चलो मम्मी बताओ ये चावल का क्या करेंगे। हेलो बच्चों, आज हम लोग ये चावल साफ कर रहे हैं। चावल लाई थी मैं, तो थोड़ा थोड़ा बिनने में दिक्कत होती है। मैं हाँ जी, फटेला लगाते हैं। अभी फटेला लगाने में आपको दिखाऊंगी। दो जने पकड़ते हैं, एक जना सूप से ऐसे डालते हैं, फिर फटेला लगाते हैं। हमने फटेला लगाया और उसके बाद चावलों की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि एक बार साफ करके रख दो तो पूरे महीने भर की छुट्टी हो जाती है। बिनने नहीं पड़ते बार बार, और मोटा मोटा बिन गया उसमें। अभी हम अच्छे से इनकी इनको बिन रहे हैं। अब फटेला लगाने के लिए अभी गोलू को बुलाते हैं, उसके बाद फटेला लगाना बताते हैं कि कैसे फटेला लगता है। जो पहाड़ वाले हैं वो बच्चे तो सभी जानते होंगे फटेला इसको कहते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं दिखाऊंगी हम फटेला कैसे लगाते हैं। अभी हम छत में आए हैं, बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। बादल छाए हैं, बारिश होने की संभावना है। थोड़ा अभी जल्दी में हम लोग, क्योंकि यही से बनाओ ना दादी की वीडियो। हम चावल निकाल रहे हैं। कोरू को पहाड़
करने के लिए पहाड़ में ऐसी लगा दे, क्योंकि आजकल तो पंखे चल गए हैं, लेकिन इससे पहले जब पंखे नहीं थे सारे गेहूँ चूट के धान चूट के उसको ऐसे, इसको पहाड़ी में फटेला लगाना कहते हैं, इसको लगाया और साफ हो जाते हैं। अगर कुछ रह जाता तो फिर ऐसा भी करते हैं। ये गोलू है, ये वैशाली है, मेरा बाबू है। हमने अभी फटेला लगाया चावल, उसकी वजह से ओसाना भी कहते हैं उसको हिंदी में, लेकिन हम पहाड़ी में उसको फटेला ही बोलते हैं। दो जने चादर को पकड़ते हैं, ये हवा देते हैं। आजकल तो पंखे से हवा दी जाती है, लेकिन हमने आज थोड़ा पुरानी अपनी रिवाज को ताज़ा करने के लिए फटेला लगाया चावल साफ किए। चावल तो साफ थे, तब भी कोई धूल वूल हो जाती है तो उसको साफ करने के लिए हमने फटेला लगाया। साफ कर दे तो सुखे से फटकना बोलते हैं हमारे कुमाऊनी भाषा में, फटकना हम इसको कहते हैं। अब हम इसको उठाते हैं और चावलों को रख देते हैं। ये मेरा बाबू है, चप्पल पहनता है, थोड़ा तबियत खराब हो रही है इसकी। सीखो बाबू, सीखो, एक चप्पल डाल लिया उसने। शाबाश, डालो बाबू, डालो डालो चप्पल डालो, शाबाश, गाँव में डालो शाबाश। ये मेरा गुड बॉय है, गुड बॉय। ये मेरा बाबू है, बाबू। एक बैठ के डाला उसका, वो निकल जा रहा है। शाबाश, शाबाश। अब हम इसको रखते हैं अंदर। मम्मी के पास पाल को जब हमने चावल फट गए और बिल्ली आ गया, बाहर खाएंगे बात का ही नहीं। अभी कौन सा बात खाओगे? इसको रख के भात बन जाता है, इसको रख के भात बन जाएगा। ओ जा चप्पल पहन ले मेरे पुत्र ने। वाह, कपड़े कितने सुंदर बनाते हैं। वाह, तो मैं आप लोगों को एक कल की वीडियो और दिखाती हूँ, वो मैं दिखाना भूल गई आप लोगों को। तो एक कल की बच्चों की वीडियो भी है, तो आप लोग उसको देखिए, एंजॉय करिए। तब तक के लिए बाय बाय। आप बच्चे कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या सिखा रहे हो? पोयम सुना रहे हो? कौन सी पोयम है? अच्छा, जोर से गाओ फिर, हैंड से भी एक्शन करो। Yeah.
क्लैपिंग तो करो फिर सब लोग। वेरी गुड। तो आप लोगों ने आज देखा कि कैसे हम फटेला लगाते हैं और कैसे क्या होता है। तो ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।